सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गेट। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका गेट चैनल में। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7:30 और मैं निकल चुका हूँ जगदलपुर से। जैसा कि अगर आप लोग जगदलपुर से होगे तो आप लोग को पता होगा ये पीजी कॉलेज है धर्मपुरा का। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ कोंडागांव अपनी रिट्स कार में। यहाँ देख सकते हैं सब्जी का दुकान वकान सब लग चुका है। ये पीजी कॉलेज है जहाँ पर मैं पढ़ाई करता हूँ, यानी LLB करता हूँ। इस कॉलेज में फर्स्ट ईयर है। तो ये है मेन बिल्डिंग और इधर पूरे ब्रांचेस है इसके कॉलेज के। ये है पीजी कॉलेज का ग्राउंड और अपना यानी लॉ डिपार्टमेंट पीछे की तरफ है और उसके पीछे नवोदय है, यानी इधर जो है पूरा एजुकेशन हब है। देख सकते हैं बढ़िया से अभी सनराइज़ हो गया, यानी मॉर्निंग का टाइम है। बढ़िया बढ़िया लोग टहलने वहलने निकले। आगे में ट्रैक भी है रनिंग वनिंग करना चाहें तो। अगर आप मेरे पुराने वीडियोज़ देखे होगे तो आपको पता होगा ये रहा अपना लॉ डिपार्टमेंट जहाँ पे अपने क्लासेस लगते हैं। तो फिलहाल छुट्टी है अभी 2-3 दिन का, तो सोच रहा हूँ घर चल देता हूँ बोल के। और अगर पढ़ाई नहीं हुआ तो घर में ही रहूँगा और पढ़ाई होगा तो वापस आ जाऊँगा। तो सामान वामान जो है मैं सब पैक करके रख लिया हूँ गाड़ी में, देख सकते हैं जैसा कि आप लोग हैं। और जितने भी कपड़े धुलने के थे रहते हैं वो सब मैं पैक कर लिया हूँ, क्योंकि जैसा कि आप लोग को पता होगा कि अगर आप हॉस्टल वगैरह में रहते हैं जब भी घर जाते हैं जितना भी धुलाने का कपड़ा वपड़ा रहता है सब पैक करके लेके चल देते हैं। तो जनरली मैं ऐसा करता हूँ, अब बाकी लोग करते हैं नहीं करते नहीं पता। तो फिलहाल अभी निकल रहे हैं हम लोग और यहाँ से लेफ्ट ले रहा हूँ मैं सीधा जो है बस्तर के पास निकलूँगा। और ये जो है शॉर्टकट है एक तरीके से, क्योंकि अगर आप सिटी घूम के जाएंगे ना तो आपको थोड़ा दूर पड़ता है और इधर हम पूरा से डायरेक्ट जो है अपने उधर निकाल देता है। तो मेरे को गाड़ी में हवा भी चेक करवाना था लेकिन सुबह का टाइम है, अभी कोई दुकान तो खुला नहीं होगा। तो देखते हैं कहीं रस्ते में चेक करवा लेंगे, बाकी सब सेट है। इसका जो है जो ग्लव बॉक्स रहता है उसका लॉक टूट गया तो निकल गया है, तो उसको मैं पीछे तो रख दिया हूँ देख सकते हैं सीट पे। तो उसका एक लॉक ऑर्डर करके मंगाना है मेरे को, वो एक चीज़ है गाड़ी में दिक्कत है। और बाकी क्या, बाकी सब तो ठीक है बढ़िया है। और इधर है गर्ल्स हॉस्टल, आगे है इंजीनियरिंग कॉलेज, पूरा एक तरीके से जो है एजुकेशन हब है यहाँ पे। और गाड़ी बहुत गंदी हो गई है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार कितनी गंदी है बाहर से। शायद कैमरा में उतना अच्छे से नहीं दिख पाया लेकिन गाड़ी जो है बहुत दिन से धुली नहीं है, तो पूरा डस्ट धूल सब जम गया है गाड़ी पे। तो जाने के बाद बढ़िया क्लीन व्लीन भी करवाते हैं, साफ़ सफाई करवाते हैं और अपना खुद का ही दुकान है, बढ़िया से साफ ऑफ करके चकाचक करते हैं। ये देख सकते हैं ये भी एक ग्राउंड है, ये इंजीनियरिंग कॉलेज का ग्राउंड है अपना जगदलपुर का। अभी तक जो है मैं हाई RPM पे नहीं लेके जा रहा हूँ गाड़ी, क्योंकि अभी अभी चालू किया हूँ, थोड़ा वार्म अप होने दे रहा हूँ। 1000 के ऊपर लगभग अभी तक गया नहीं है गाड़ी का RPM, तो स्लो स्लो चल रहे हैं, थोड़ी देर के बाद फिर हाईवे पे चलाएंगे। बाकी ड्रोन वगैरह मैं रख लिया हूँ अपने साथ ही, अगर टाइम मिला अच्छे उसे तो जल्दी जाना है घर मेरे को, लेकिन फिर भी अगर हुआ तो ड्रोन को उड़ाने का कोशिश करेंगे अपन। चलते हैं फिलहाल और रास्ते में जो भी दिखता है आपको बताता हूँ मैं। लेट्स गो गाइस। दोस्तों गर्मी का मौसम मैंने यही बढ़िया है, देख सकते हैं सुबह सुबह निकल जाओ पूरे रोड खाली रहते हैं, बढ़िया से वेदर रहता है और बढ़िया ठंडा ठंडा हवा आ रहा है अभी इस टाइम पे। अगर थोड़ा लेट हो जाएंगे ना 8, 8:30, 9 बजे के बाद, फिर जैसा टाइम बढ़ते जाएगा ना उसके बाद फिर जैसा टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो फिर ट्रैवल करने में उतना मज़ा नहीं आ पाता है, तो फिर थोड़ा गर्मी गर्मी लगेगा, थोड़ा वो टाइप का लगता है। और सुबह सुबह का जो टाइम रहता है बढ़िया मस्त ठंडा ठंडा हवा आ रहा है, एक नंबर वेदर हो रहा है, देख सकते हैं पूरी खाली सड़कें, ना कोई ट्रैफिक ना कुछ, बस खाली सड़क और अपनी गाड़ी और अपन सोलो, दिस इज लाइफ। अभी फिलहाल हम लोग पहुंचे हैं कुड़कानार और आगे से अपने को लेना है टर्न। बाकी रोड देख सकते हैं बढ़िया है, एक नंबर है। और गाड़ी का माइलेज चेक करो गाइस, माइलेज जो है मीटर में अभी 30 KMPL का दिखा रहा है, इससे ज़्यादा कभी दिखाता नहीं, क्या पता अगर दिखाने का रहता तो शायद ज़्यादा भी दिखा देता है। अगर वैसे अगर अकेले ट्रैवल करो तो माइलेज गाड़ी अच्छा दे देती है, यानी 27-28 तो आराम से दी देती है ये गाड़ी माइलेज डीजल में, तो ये बढ़िया चीज़ है इस गाड़ी का।
बाकी सब बढ़िया है। चलते हैं आगे, देख सकते हैं गाय बैल रस्ते में घूम रहे हैं फिर रहे हैं। विंडशील साफ़ नहीं किया हूँ दोस्तों, बहुत गंदा है, लेकिन अभी वाइपर नहीं चलाऊंगा मैं क्योंकि इसमें धूल लगा हुआ है, तो जाके वॉश कराएंगे उसके बाद ही करते हैं। आप भी कभी ध्यान दीजिए, जैसा अगर विंडशील पे ज़्यादा ही डस्ट रहेगा ना तो वाइपर को ऐसे ही ना चलाएं, पहले थोड़ा डस्ट को साफ़ कर लें उसके बाद ही वाइपर को चलाएं। सो ये है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुंडागांव का, और इसके जैसे ही थोड़े से आगे जाएंगे अपन, ये डिवाइडर के आगे से राइट लेना पड़ेगा अपने को, उसके बाद जो है अपना दुकान आ जाएगा। ये जैसे ये डिवाइडर चालू हो गया जैसे देख सकते हैं, यहाँ से अपन को पहला राइट ले लेना है, यानी पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है उस रोड पर अपना दुकान। तो अपन चलते हैं पहले दुकान, उसके बाद जाएंगे अपन घर, पहले बिजनेस उसके बाद बाकी सब कुछ। इंडिकेटर दे दिया मैं, और ये स्लोली ले ली अपन टर्न, तो इस रोड पे अपने को सीधा जाना है, और जहाँ पे ये रोड ख़त्म होगा वहाँ से अपने को लेफ्ट ले लेना है। तो चलते हैं। सो मैं आ गया कनेरा रोड में, पीछे जाएंगे तो कनेरा आएगा, इधर जाएंगे तो आएगा कुंडागांव। ये राइट साइड में है डामर प्लांट, और उसके बाजू में अपना शॉप देख सकते हैं। शायद एक बाइक धुल के गई है, एक बाइक धुल रही है। तो दोस्तों टाइम हो रहा है 9:58, और गाड़ी का माइलेज अभी भी 30 पे ही लटका हुआ है, यानी 30 का ही दे रहा है गाड़ी का माइलेज, और कुंडागांव पहुंच चुका हूं मैं। तो फिलहाल चलते हैं घर अपने, सामान वामान को निकालते हैं, और गाड़ी अभी ऊपर ऊपर बस ऐसे पानी मार दिया हूं मैं। वैसे आज शिवरात्रि है तो देख सकते हैं मंदिर में शायद कुछ प्रोग्राम चल रहा है, भीड़ वीड़ भी लगा हुआ है, टेंट वगैरह लगा हुआ है। सो दोस्तों ये रही अपनी ड्यूक 390, बहुत दिन से पड़ी हुई है, पूरा धूल धूल हो गई है घर में, इसको चालू भी नहीं किया हूँ मैं आने के बाद से, मेरे ख्याल से 2 हफ्ता से ज़्यादा हो गया, 2-3 हफ्ता हो गया होगा गाड़ी बंद पड़ी है ऐसी, तो इसको चालू करना पड़ेगा। और इसका एग्जॉस्ट जो है स्टॉक लगा हुआ है, एक्रोपॉविक रख दिया हूँ मैं घर में। तो फिलहाल अपनी कार ये रही, तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा ड्यूक 390 जो है वो घर में रखी हुई है, और बहुत ही रेयर चलाता हूँ मैं उसको, और मेरे पास पल्सर 150 था एक, तो उसको बेच दिया हूँ मैं फिलहाल कुछ रीज़न की वजह से। तो फिलहाल जो है मैं माइलेज बाइक लेने का सोच रहा हूँ, और 390 का क्या है सिटी में माइलेज जो है लगभग मीटर में 28 दिखाता है, स्टॉक एग्जॉस्ट लगा दिया हूँ उसके बाद से, तो लगभग मेरे ख्याल से 24-25 का वो सिटी में माइलेज देती है ड्यूक 390, और उतना तो मेरी कार भी दे देती है, तो मैं कार को ज़्यादातर प्रेफर कर लेता हूँ चलाने के लिए, और जब कार नहीं रहता है तब मैं 390 को चलाता हूँ। बाकी उसमें वेल मेंटेनड है, पूरा टायर और सब लगा हुआ है। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है 390 खरीदने में, वैसे मेरा बेचने का मन तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बहुत कम यूज़ होता है और खाली पड़े पड़े वो धूल खा रहा है, तो उससे अच्छा रहेगा कि शायद कोई लेके चला ले, तो मेरे को अच्छा रेट अगर मिल जाता है तो मैं उस गाड़ी को निकाल दूंगा। तो आप में से अगर कोई इंटरेस्टेड है तो कमेंट कर देना, या तो फिर मेरे को इंस्टा में DM कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं वापस अपने दुकान शॉप पे, और ये पुलिस थाना इतना भीड़ है आज, शायद कुछ प्रोग्राम चल रहा है अंदर में। तो चलते हैं अभी अपन अपने दुकान, और आज शिवरात्रि है, आप सबको शिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं, लेट्स गो। सो दोस्तों अभी शाम हो गया है, सूरज जो है ढल चुका है, अभी बढ़िया से सनसेट हुआ, और गाड़ी मैं यहाँ पर चढ़ा दिया हूँ क्योंकि कुछ चीज़ है जो चेक करना था मेरे को रिसेंटली, जैसे मैं जो इसका गियर ऑयल वगैरह का काम करवाया था, तो गियर ऑयल जो इसका टपक रहा था, तो उसको चेक करना है मेरे को कि अभी फिर से टपक रहा है नहीं टपक रहा है। तो गाड़ी को जो है रैम पे चढ़ा दिया हूँ मैं, अभी नीचे जाके देखता हूँ कि ऑयल फिर से टपक तो नहीं रहा है कहीं पे बोल के। तो चलिए नीचे उतरते हैं और चेक करते हैं गाइस, 2 मिनट फ्लैश जला लेता हूँ मैं। तो जैसे कि ये पूरा गियर ऑयल वगैरह जो टपक रहा था इससे पहले, तो इसका पूरा काम कर रहा था, अभी ये सूखा है, पानी मार दिया था, ये गीला नहीं है, नहीं पहले के जो है वो दाग लोगे, अभी जो है ये टपक नहीं रहा है। और लेकिन ये जो ऑयल है ये थोड़ा सा वेट है,
थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ऑयल कहीं से तो लीकेज हो रहा है, कहीं से पैकिंग या कुछ तो गया है, उसके कारण जो है ऑयल टपक रहा है। लेकिन गियर ऑयल जो है अभी जैसा कि देख सकते हैं तो पूरा सूखा हुआ है, यानी अभी कुछ भी नहीं टपक रहा है, पहले का है जितना मेरे को लग रहा है। यहाँ कहीं से तो टपक रहा था शायद, तो फिलहाल तो सब ठीक दिख रहा है। तो बाकी सब तो ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल अब चलते हैं अपन अपने घर और निकलते हैं यहाँ से। इसका जो है हेडलाइट भी ख़राब हो चुका है, येलो पड़ गया है, विंडशील्ड भी चेंज करवाना है मेरे को, फॉग लैंप वगैरह लगवाना है, बम्पर वम्पर चेंज करवाना है, तो सब लंबा खर्चा है, तो उसको देखते हैं आगे चल के कभी करवाएंगे। सो फिलहाल वीडियो में बस इतना ही, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम हैंडल शो रहेगा, आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय, स्टे सेफ स्टे हेल्दी, राइड हार्ड राइड सेफ, बाय बाय।